कुछ नहीं कि परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया किसने, पारंपरिक जो कारीगर उद्योग थे उनका जो पतन हो गया था किसके कारण, वो औपनिवेशिक सिस्टम चल रहा था, ब्रिटिश कारण जो है उनकी नीतियां थी, उनकी चीजें थी, उनके कारण क्या हुआ, जो कारीगर थे जो उद्योग थे उनका पतन हुआ, उससे क्या हुआ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग उसने बना दिया। तो वो किस किस तरह की चीजें इफेक्ट पड़ी, वो सब कैसे अपंग हो गए, वो सब पॉइंट हमें देने। नॉर्मली इस वर्ड का जो यूज होता है परीक्षण कीजिए होता है कि भाई सही गलत है ना, ये आलोचना समालोचना से थोड़ा सा सिमिलर होता है, चीजों को हम ऐसे तोड़ के देखते हैं भाई हाँ ये पॉइंट सही है, ये जो है गलत है, इस तरह की चीजों को तोड़ के हम देखते हैं। मगर एक वर्ड आपने सुना होगा काफी बार जो है हम एनी किसी भी क्वेश्चन के साथ कुछ वर्ड लगा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि औपनिवेशिक भारत में जो है जो पारंपरिक कारीगर थे क्योंकि ब्रिटिशों के कारण ही जो उद्योग थे उनका पतन हुआ था, अब वो पतन हो गया उससे इफेक्ट किस पे हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, क्योंकि वो उन्हीं लोगों से जुड़े हुए थे, वही के लोग थे, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट हो रहा है, वो अपंग हो रही है, तो उसके कारण हमें देने हैं कि भाई कैसे चीजें जो है कारीगर जो है उनका पतन, उसके बारे में हल्की बात करते हुए हम कैसे बताएंगे कि भैया यही वो चीजें हो रही थी इसके कारण जो क्या है ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपंग हो रही थी, उससे चीजें करेक्ट करनी है। तो यहाँ सही गलत वो चीजें काफी बार ऐसे जुड़ जाता है। मगर हाँ फोकस पक्का कीजिएगा कि ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण चीजें निभाते हैं, बैच सब के अंदर ये लिखनी है और हम प्रयास करेंगे कि पृष्ठभूमि के अंदर हम उन सब की बात करें कि वो किस तरह के कारण नए जिसके कारण पारंपरिक जो कारीगर थे जो उद्योग थे वो नष्ट हो गए, वो किस तरह की नीतियां ब्रिटिश सिस्टम ने अपनाई है ना, तो उनके बारे में बताते हुए फिर हम बात करेंगे कि भाई वो जब हुआ तो ग्रामीण अर्थ को अपन उसने कैसे बना दिया, वो सब पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, यहाँ पर चीजों को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं कि हाँ वो किस तरह की नीतियां, वो किस तरह की चीजें थी, कैसे अब जो है पतन हुआ। औपनिवेशिक भारत में जो है पारंपरिक कारीगर उद्योग की गिरावट का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था, कारीगरों और शिल्पकारों जो है जो भी कभी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे ब्रिटिश शासन के तहत कई चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ा। किस तरह की नीतियां अपनाई गई, उन नीति के बारे में बात होती है और करेंगे कि वो किस तरह की चीजें हैं, वो नीति जो है अपनाई गई, भाई एक तरफा टैक्स सिस्टम चल रहा है कि टैक्स हम लेंगे वो टैक्स फ्री कर चीजें कर दी गई है ना, वो खुला माल यहाँ पर आएगा, कोई टैक्स नहीं देना, कुछ भी चीजें नहीं करनी है, वो उनके सस्ता था, वो सारी नीतियों के बारे में चीजें हैं, उन्होंने वो कार्य किए जिससे क्या हुआ कि उद्योग नष्ट हो गए, बहुत सारे कार्य उन्होंने ऐसे किए थे। ग्रामीण समुदाय जो है वो कहां पर जाएंगे, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो समुदाय जो है दरिद्र हो गए, और इस गिरावट में विभिन्न कारकों ने योगदान दिया, इसमें ब्रिटिश आर्थिक नीतियां हमारी हैं उनके बारे में जिक्र हो गया, सस्ते आयातित सामानों का आमद कि भाई चीजें सस्ती होंगी आपको टैक्स नहीं लेगा, आयात हो रहा है मगर उसमें कोई टैक्स नहीं है, अस्थानीय अभिजात वर्ग के संरक्षण की हानि इसमें शामिल है, चीजें हो नहीं पाई, वो टक्कर ही नहीं पाए क्योंकि एक सस्ती है मशीनों द्वारा की ये चीजें हैं, यहाँ पर हाथों से बुनी है, स्पेशल है मगर क्या कीमत, बिल्कुल सस्ती मिलनी है, हमारे पास पैसा है ही नहीं है ना। तो अब बढ़ते हैं उस चीज की ओर कि भाई पारंपरिक कारीगर उद्योग की गिरावट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, कैसे उसको अपंग बना दिया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, वहां पर वो भी समझाएंगे क्या क्या चीजें उन्होंने की और वो कैसे उसने इफेक्ट डाला, कैसे उसको प्रभावित किया, आजीविका का नुकसान देखिए, जैसे जैसे पारंपरिक कारीगर जो उद्योग थे उनमें गिरावट आई, इस तरह की नीतियां अपनाई गई, वो गिरावट आती चली गई, तो कई कारीगरों और शिल्पकारों ने जो है अपनी आय का प्राथमिक स्रोत जो है वो खो दिया, क्योंकि वहीं से वो पैसा कमाते थे। इसके सब परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि बड़े पैमाने पर क्या हुआ, बेरोजगार जो उनके स्किल उनके पास थी अब वो उससे पैसा नहीं कमा सकते, तो कहां पर जाएंगे, बेरोजगार होंगे, तो दरिद्रता शहरी क्षेत्रों में जो है जबरन प्रवासन हुआ। ठीक है कि भाई कुछ और देखेंगे, कुछ और मजदूरी करेंगे, खेती में घुस गए, भी उद्योगीकरण की बात कर सकते हैं कि पारंपरिक उद्योग के पतन और ब्रिटेन से सस्ते आयाती सामानों के आमद के परिणाम स्वरूप ग्रामीण भारत पर भी उद्योगीकरण हुआ, स्थानीय उद्योग जो है बेहतर प्रौद्योगिकी और ब्रिटिश वस्तु की सस्ती कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं सके, जिसके कारण क्या हुआ लघु उद्योग बंद हो गए, वो लोग बेरोजगार हो गए, दरिद्रता फैली, किसी जो अन्य चीजें थी उन पर प्रभाव पड़ा, किन पर, कृषि पर निर्भरता होने लगी, कृषि पर इफेक्ट पड़ा,
कि कारीगर जो है उद्योगों को गिरावट के साथ ग्रामीण आबादी और अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर हो गए, कृषि पर निर्भर हो गए। भाई ये चीजें हैं, आप पहले वो क्या एक भाई करता था कार्य, वो अपना उद्योग चलाता था, वो पैसा वहां से कमा लेता था, वो वहां से, अब उसका काम खत्म हो गया, वो वहीं पर ही आ गया कि भाई क्या करूं, वो तो खत्म, अब तो यहीं पर लगना पड़ेगा, रोटी यहीं से खानी पड़ेगी, जो चीजें होने लगी। तो प्रभाव पड़ा, कृषि क्षेत्र जो है अधिशेष श्रम शक्ति पैदा हुई कि भूमि जोत के विखंडन और कृषि उत्पादकता में गिरावट में योगदान हुआ, कृषि पर जो है बढ़ती निर्भरता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। क्या हुआ कि जब चीजें इफेक्ट होती है ना कि संभाल लेता है भाई है वो पैसा कमा रहा है, संभाल लेगा, मगर उसकी जॉब चली जाए तो क्या होगा, कृषि पर इफेक्ट, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जलवायु की संबंधित उतार चढ़ाव आएगा, अकाल पड़ेंगे, आपके टैक्सी सिस्टम इस तरह की है, आपकी जो नीतियां हैं वो उस तरह की है, तो क्या होगा, तो प्राकृतिक आपदा आ जाए, जलवायु सिस्टम, अकाल पड़ जाए, आपको टैक्सी सिस्टम उस तरह का बना दिया जाए, तो सीधा इफेक्ट पड़ेगा और फिर दोनों डूबेंगे। तो वो चीज खतरनाक तरीके से देखने को मिली, ठीक है। आत्मनिर्भरता का श्रम वो हुआ, पारंपरिक कारीगर उद्योग की गिरावट ने जो है ग्रामीण समुदायों को आयातित वस्तु पर निर्भर बना दिया कि जो चीजें हमारे पास थी, जो स्किल थी, अब उसका तो कार्य है नहीं क्योंकि वो चल ही नहीं रहा है, तो जिसने उनकी आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया कि हम खुद चीजें क्रिएट करते हैं, खुद को यूज करते हैं और बेचते भी हैं, तो बेचना छोड़ो खुद की चीजें भी नहीं ले रही क्योंकि वो बहुत सस्ती मिलती थी, वे बाहरी बाजारों पर जो है अधिक निर्भर हो गए। ठीक है, ये इफेक्ट देखने को हमें मिल रहे हैं, उनके इफेक्ट हम देख रहे हैं कि कैसे ग्राम सिस्टम को अपंग बना दिया उन्होंने। ठीक है, अन्य पॉइंट कि कौशल और ज्ञान का नुकसान हो गया, वो चीजें चली गई जो स्किल उनके पास थी, जैसे जो है पारंपरिक कारीगर उद्योगों ने गिरावट आई, जो कारीगर थे, जो शिल्पकार थे, उनका मूल्यमान कौशल जो ज्ञान था वो खो गया। धन की निकासी के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि वो एक मेन पॉइंट है, क्योंकि आयातित वस्तुओं पर अधिक पैसा खर्च किया गया था, टैक्सेस नहीं है भाई आओ बेचो, है ना, तो स्थानीय उद्योग और बुनियादी ढांचे में निवेश ही नहीं कर पाए चीजों को क्योंकि हमारे पास उस तरह का पैसा नहीं था, वहां पर निवेश हुआ ही नहीं। क्या आप लघु उद्योग को जो है अन्य तरीके से विकसित करें या इनमें हेल्प करें, तो कुछ नहीं हुआ, निवेश ही नहीं हुआ, पूरा शिक्षा सिस्टम चेंज हो गया, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, निवेश सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास हो वे बड़ी बाधा के रूप में चीज देखने को मिली कि एक तो पैसा यहां से बाहर जा रहा है, जो पैसा है वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है हमारी चीजों के अंदर, तो भुखमरी ही आएगी, अकाल ही पड़ेंगे तो वो पड़े, स्थिति बहुत खतरनाक हुई। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, धन की निकासी हुई बाहर, यहां पर निवेश नहीं हुआ किसी भी चीज का, बस पैसा बाहर चलता चला गया, तो फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट थी यहां से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष की, औपनिवेशिक भारत में जो है पारंपरिक कारीगर उद्योग की गिरावट के ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दूरगामी परिणाम वो हुए, उन्होंने उद्योग की गिरावट ने न केवल ग्रामीण समुदाय की आर्थिक खुशहाली को पंगु बना दिया बल्कि उनके जीवन के तरीके पर गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी छोड़ा, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। आप ये सोच के देखिएगा, आपके गाँव के अंदर जो है कोई व्यक्ति है जो जॉब करता है, पैसा है, वो आता है कि हाँ उसकी एक सम्मान होता है, एक रिस्पेक्ट सिस्टम होता है, मगर उसकी वो जॉब चली गई, पैसा सिस्टम वो जो होना था वो खो गया, फिर चीजें बहुत सारी चेंजेस होती हैं, वो उनके साथ भी हुआ, उस सामाजिक में जो उठ बैठ थी, जो नाम था वो खो दिया, वो उसी तरीके से हो गई, फिर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इफेक्ट होते हैं, सांस्कृतिक इफेक्ट होते हैं, वो सब देखने को मिले, सामाजिक भी इफेक्ट देखने को मिला कि भाई जो आपकी एक छवि थी वो धूमिल हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई किस तरह के आर्थिक इफेक्ट देखने को मिले, पूरा एक पॉइंट है, हम उस पर फोकस नहीं करते हैं कौन सी बुक कवर करनी, क्या कवर करना, इधर उधर की चीजों पर फोकस करते हैं। पीवाईक्यू हमें क्या समझा रहा है कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन है उसका आर्थिक प्रभाव के बारे में एक क्वेश्चन है, वो हमें कैसे तैयार कर लेना चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी समझ में आ गया, और वो टॉपिक है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हाँ इसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों की हेल्प हो सके, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आप शेयर नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।